अंशु जी बैठी हैं, मैं देख रहा था दो पहाड़ियों को एक तरफ बिठा दिया है, तीसरा मैं भी मंच पर हूं, तो मेरे लिए तो गर्व की बात है कि तीन महिलाओं में से दो पहाड़ी हैं जिन्होंने ये काम करके दिया है। मैं मन ही मन में सोच रहा था, मैंने अपनी 10वीं की कक्षा के बाद जब मैं क्रिकेट खेलता था तो वैष्णो देवी गए माता के दर्शन करने, आशीर्वाद देने, सुबह सुबह चढ़े दोपहर तक वापस आ गए दर्शन करके। रास्ते में फिर बाणगंगा के पास कुछ दोस्त मिले, वो दर्शन करने जा रहे थे, हम उनके साथ भी वापस ऊपर चढ़ गए और फिर वापस अगले दिन सुबह आ गए। जहां एक और लोग देख रहे थे कि ये तो अभी दर्शन करके आए, वापसी पे फिर एक ही दिन में दो बार चढ़ाए, हमें तब लगता था हम दो बार दर्शन एक दिन में करके आ गए। लेकिन अंशु जी, एक ऐसी महिला हमारे बीच में है कि जिस पर्वत की ओर चढ़ने का, चोटी तक पहुंचने का शायद कोई सपना भी ना देखता हो, उसको एक ही सीजन में दो बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का किसी ने काम किया है तो अंशु जी ने किया है। जहां एक और बसंती देवी जी को, बसंती देवी जी को हाईएस्ट अवार्ड मिला है इंडिया का, नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड, वहीं पर अंशु जी को, जो मेरे अपने ही विभाग का है, तेनसिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड मिला है, और इसके अलावा जो पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है। ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाएं या कोई भी व्यक्ति कुछ ठाने, उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे आग लगाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे दुनिया में, आग बुझाने वाली पहली महिला भी यहां पर हैं, जिन्होंने ठाना था कि मुझे आग बुझाने का काम करना, फायर फाइटिंग का काम करना है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन सकते हैं आप, एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे हैं, आजादी की अमृत कहानियां नाम की पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया। जब नागपुर की बात आती है और पहली महिला अधिकारी किसी कॉलेज से यूनिफॉर्म में पहनकर बाहर आए और इस सोच और जुनून के साथ आए कि जो आज तक किसी महिला ने 130 करोड़ के देश में नहीं किया है वो हर्षिणी जी को करना है, ये सुनकर हम सब हर्ष और उल्लास के साथ यही कहेंगे, आपने कदम उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है, और आपको भी भारत की लक्ष्मी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, वी हैव थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ स्टोरीज टू टेल, एंड लेट मी टेल मिस बेला दैट वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर टीवी 9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चों और महिलाओं को वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच देता है बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए जरूरी भी है। जुड़िए हमारी इस खास पहल और देखिए टीवी 9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस, वैक्सीनेशन कार्ड हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए टीवी 9 डिजिटल 26 अप्रैल 3:30 बजे।